हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किलबस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या क्या हिडन चार्जेस प्रेजेंट होता है। हमारे एक लास्ट वीडियो था क्रेडिट कार्ड को लेके, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड काम करता है, किस तरीके से क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग होता है, वो सारी चीज मैं अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सो इफ एवर यू डिड नॉट वॉच दैट, गो एंड वॉच दैट एट फर्स्ट, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी क्रेडिट कार्ड क्या है। अगर आपको इस चीज का आइडिया ऑलरेडी है क्रेडिट कार्ड क्या है, बट आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि कहां कहां से क्रेडिट कार्ड आपका पैसा ले लेता है, तो इस चीज को समझने के लिए आपके लिए ये वीडियो मैं लाया हूं। यहां पे मैं डिटेल्स में सारे चार्जेस को डिस्कस करूंगा जो कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होती है, जिसके बारे में हमें कभी कभी आइडिया भी नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है कि किस तरीके से पैसा चले जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो सारे एक एक हिडन चार्जेस होते हैं, विल डिस्कस दैट वन आफ्टर द अदर, एंड आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली द क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज यू फॉर योर अमाउंट। ठीक है, तो एक एक करके सारे चीज आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चार्जेस दैट अ क्रेडिट कार्ड ऑफन टेक्स फ्रॉम यू एज अ हिडन चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, लेट पेमेंट फी। तो लेट पेमेंट फी होता है सबसे पहला चार्ज। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। लेट से आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 10,000 का है। ठीक है, 10,000 में से लेट से इस इंसान ने 10,000 उठाया था। ठीक है, और लेट से इसका जो बिलिंग साइकिल है वो है 45 days। अब बिलिंग साइकिल क्या होता है, इस चीज के बारे में पहले भी डिस्कस किया था, तब भी मैं आपको छोटा से बता देता हूँ कि लेट से आप 1 July को एक तरीके का क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए, मतलब क्रेडिट कार्ड से पैसा आप उठाए, तो ये जो 10,000 है लेट से ये 1 July को उठाया, तो 1 August में उसका बिल निकलता है 1 महीने बाद, एंड विद इन 45 days, मतलब कि उस बिल जनरेट होने के 15 दिन बाद उनको क्या करना पड़ेगा, उस बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 days इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू आर बेसिकली हैविंग इन दिस पर्टिकुलर साइकिल, जहां पे आपका जो पैसा है क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ वो पैसा अभी तक एक फ्री पैसा है। इस 45 days के बाद जो ये जो टाइम का प्रॉब्लम है, 45 days के बाद शायद आपको कोई कोई बैंक वार्निंग देने के लिए कुछ भी टाइम, कुछ ग्रेस पीरियड दे दे, बट उस टाइम के बाद से आपका लेट पेमेंट फी चालू हो जाता है, मतलब कि एक एक करके डिफरेंट पेनल्टीज चार्ज होते हैं। लेट पेमेंट फी एक तरीके का पेनल्टी फी होती है जो आपको तब चार्ज किया जाता है जब आप टाइम पे पैसा वापस नहीं करते हो। बिकॉज रिमेंबर, बेयर इन माइंड दैट फॉर द 45 days ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर मनी इज फ्री फॉर यू। ठीक है, वो पैसा आप जितना पैसा लेट से 10,000 उठाया है तो ये 10,000 ही इसको वापस करना है, नो इंटरेस्ट टेकन फॉर दोस 45 days। बट ऑन द वेरी डे आफ्टर दिस 45th day धीरे धीरे पेनल्टी चार्ज होने लगती है हर एक दिन का, तो दैट पेनल्टी चार्ज इज नोन एज द लेट पेमेंट फी। ठीक है, उसके बाद जो है वो है कैश विथड्रॉल। कैश विथड्रॉल मतलब आप अगर कभी भी ATM से, लेट से आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ATM के थ्रू निकालने का कोशिश किया, तो उस चीज के लिए आपको अलग पेनल्टी चार्ज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको डायरेक्ट कैश नहीं देते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज आप स्वाइप करके ही यूज करते हो। लेट से आप मॉल में जाके कुछ सामान खरीद रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर डेबिट कार्ड यू यूज द क्रेडिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड पेज फॉर यू बिल। या फिर लेट से आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के टाइम में आप क्या करते हो, EMIs भरते हो, राइट? वो EMIs अपने आप क्रेडिट कार्ड भर सकती है, बट द क्रेडिट कार्ड वॉन्ट एवर गिव यू कैश फॉर फ्री। कैश विड्रॉल अगर आप करोगे तो उस चीज के लिए भी एक चार्ज लगती है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ज जॉनर ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, जो सबसे ज्यादा पैसा खा जाते हैं, वो है इंटरेस्ट रेट चार्जेस। अगर आप एक कभी एडुकेशनल लोन लोगे तो उसके लिए कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता होगा, 12% के आसपास। अगर आप कोई गाड़ी का लोन लेते हो तो उसका कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता होगा एनुअली, क्या लगता है आपको, 10-13 के आसपास ही लगता है। अगर आप होम लोन भी देते हो तो उसी के आसपास सब लगता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक गेस करो, इफ यू डोंट नो दिस, एक गेस करो कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज लगता है पर ईयर फॉर अ क्रेडिट कार्ड, कर लिया गेस? अब मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है। आंसर है 40%। कैन यू इमेजिन दैट, 40% इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस दैट अ क्रेडिट कार्ड एक्चुअली टेक्स फ्रॉम यू। मतलब कि 2-4% पर मंथ, आप समझ लो इसको, आप 36% एनुअल भी मान सकते हो। मैं राउंड ऑफ करके 40% ले रहा हूँ एज एन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है अब कहाँ कहाँ लगती है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो, लेट से आपने 10,000 लिया है, ठीक है, तो 10,000 लेने के बाद पहली बात, अगर आप 10,000 वापस नहीं करोगे तो लिमिट इंक्रीमेंट नहीं होता है। एक ऐसा तरीका है, मिनिमम पेमेंट का एक तरीका होता है जिसके थ्रू आपका इंक्रीमेंट वापस बैंक वाले इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके पास लेट से अभी 45 डेज में पैसा नहीं है वो 10,000 वापस करने के लिए, क्योंकि वो 10,000 अपने पॉकेट से ही जाना है,
तो लेट से उसको पैसे वापस नहीं कर पा रहा है वो, तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप 10,000 वापस नहीं कर सकते, 1,000 तो कर सकते हो ना यार। बोलेगा हाँ यार बिल्कुल कर सकता हूँ 1,000। तो बैंक क्या करेगा, आपके 1,000 लेगा और बैंक कहीं और से 9,000 लेके आपका लिमिट वापस 10,000 बना देगा। बट इसके लिए बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, अब जो पेनल्टी आपका बच रहा है वो 9K के ऊपर बच रहा है, क्योंकि 9K आप एक्चुअली राइट टाइम पे नहीं पे किए। दिस इज अ ड्यू अमाउंट दैट इज नॉट पेड इन द स्टिप्युलेटेड टाइम। सो ये जो 9K है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगते जाएगी। अब बस ये 9K के ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगी, इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज है। ये जो लेट पेमेंट फी है, ये लेट पेमेंट फी जो है वो लेट पेमेंट फी का भी एक इंटरेस्ट रेट के साथ वो लेट पेमेंट फी भी बढ़ते रहता है। सो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हो। यू आर एक्चुअली गिविंग इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अमीर बना सकता है अगर आप पेइंग साइड में हो। मतलब कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत अमीर बना सकती है, बट एट द सेम टाइम कंपाउंडिंग अगर लायबिलिटी वाइज हो रही है तो गरीब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है ये लायबिलिटी वाइज आपकी एक कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब आपका जो लायबिलिटी का इंटरेस्ट है उस पे इंटरेस्ट लगते जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ डेट ट्रैप। ठीक है, एक तरीके का लोन ट्रैप है ये जो होते रहता है। आप एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा डिसएडवांटेजेस की बात होती है, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वन वेरी गुड एडवांटेज इज दैट कि 45 डेज के लिए आपको वो पैसा फ्री में मिल रहा है। सो इफ यू आर डिसिप्लिन्ड विद योर फाइनेंसिंग यू कैन एक्चुअली बी वेरी गुड विद क्रेडिट कार्ड्स, एंड क्रेडिट कार्ड्स कैन बी अ बून फॉर यू। Alright, but if you're not using it properly, it would never be a boon, it would be a big curse for you. ठीक है, तो financially ये बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी। ठीक है, तो late payment charges का भी आपको समझ में आ गया, interest लग रहा है, total amount में भी लग रहा है, withdrawal जब करते हो, ये cash withdrawal जो यहाँ पे मैंने बताया था उसमें भी interest लगती है। Let's say आपने 10,000 का limit है, 5,000 का cash निकाला है, तो उस 5,000 में एक तो वो charge लगेगा, उस चार्ज पे इंटरेस्ट लग रहा है, एंड एट द सेम टाइम जो पैसा आपने निकाला है उस पे भी इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और ये जो सारे इंटरेस्ट रेट्स मैंने बताया, जो सारे आपके चार्जेस लग रहे हैं, उन सारे चार्ज में इंडिविजुअली जीएसटी लगती है। ठीक है, क्योंकि इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने अलग से बना के रखा है कि अगर क्रेडिट फाइनेंसिंग हो रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उसमें जीएसटी लगेगा। ठीक है, जनरली कंपनीज का कोई भी एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें जीएसटी नहीं लगती है, बट ये किसी भी तरीके का सर्विसेज नहीं है, कोई गुड्स भी नहीं है, बेसिकली एक तरह का लोन है, उसमें भी जीएसटी आपका लगते जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट, ये जो क्रेडिट फाइनेंसिंग है इसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाए हैं। तो यहाँ पे जितने सारे मैं पेमेंट्स का बात कर रहा था अभी तक, सारे में जीएसटी भी लगेगी। उसके बाद एनुअल फीस भी होता है आपका, अगर मेंटेनेंस कर रहे हो उस पर्टिकुलर कार्ड को, अगर आप यूज कर रहे हो तो एनुअल फीस भी लगती है। ओवर लिमिट का भी चार्जेस होता है। ठीक है, ये जो 10,000 का लिमिट है इससे ऊपर भी आपको खर्चा करने के लिए अलाउंस दे दिया जाएगा कभी कभी, लेकिन उसके लिए भी बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट चार्ज लगा देते हैं। तो उसका पेमेंट करते करते भी एक तरीके से आप समझ लो डेट ट्रैप ही हो जा रहा है टोटल में। फिर अगर आप किसी भी तरीके का इंटरनेशनल पेमेंट करते हो तो उसमें ओवरसीज अमाउंट का बहुत चार्ज रहता है। ये तो सब सारे नॉमिनल चार्जेस है जो कि कोई भी सर्विसेज में होना चाहिए, बट यहाँ पे सबसे मेन चीज जो हमें समझनी है वो है द इंटरेस्ट रेट चार्जेस, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। एंड द लास्ट, अगर आप फ्यूअल ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें भी चार्जेस लगते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि क्रेडिट कार्ड में कितने तरह के हिडन चार्जेस हैं। तो आप जब क्रेडिट कार्ड आपसे यूज करो तो उसका जो भी बिल निकलता है उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हो कि क्या क्या चार्जेस कहाँ कहाँ लग रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको इस चैनल को लेके या फिर इस वीडियो को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके अगर कोई भी सुझाव है तो उस चीज को लेके आप जरूर कमेंट करें। विल बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।